हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सांभर की न्यू रेसिपी, जिसमें मैंने सारे हरे सब्जियों का मैंने यूज किया है ज्यादातर। और ये मेरा तीसरा वीडियो है। प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर शेयर, कमेंट्स, रिक्वेस्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने न्यू रेसिपी सांभर पे, जो मैंने एक न्यू तरीके से, नए तरीके से मैंने ये बनाने की एक किया है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। इसमें हम सबसे पहले आते हैं, ये मैंने हरा मिर्चा लिया है। आप चाहें तो लाल सूखा मिर्चा का पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर हरा मिर्चा का भी। और ये मैंने लहसुन लिया है, गार्लिक, जो मैंने पत्ती वाला यूज किया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट या फिर कुछ भी यूज कर सकते हैं। लहसुन है ये, गार्लिक, और ये जिंजर, अदरक है, मैंने 1 इंच लिया है, जो कि हम इसमें डालेंगे। ये हमारा हरा मटर है, ये हमारा टमाटर है, ये हमारा गाजर है, देखिए मैंने इस तरह से काट लिया है स्लाइसेस में। और ये मेरा प्याज है, और ये 1 प्याज है, और ये हमारा किचन किंग मसाला है, जो ये इसे सांभर मसाला कहते हैं। मैंने इसे घर पे ही बनाया है। मैं इसका वीडियो अगले वीडियो में मैं इसे जरूर शेयर करूंगी। और ये हमारा आमचूर है, ये हमारा खटाई कहते हैं इसे, ये हमारा आमचूर है। और हम इसे इसमें खट्टा, सांभर को खट्टा करने के लिए यूज करेंगे। ये हमारा स्वाद अनुसार नमक रहेगा। ये हमारा गरम मसाला है, ये हल्दी है, और ये तेजपत्ता है, और ये सूखा मिर्चा है, हम इसे छौंकने में यूज करेंगे। और ये हमारा 2 चम्मच तेल है, और ये हमारा आधे घंटे तक मैंने इसे भिंगो के रखा था, जो कि अब इसे हम बनाएंगे। और अब इसमें देखिए, मैंने बैगन का यूज किया है, और इसमें ये हरा सेम कहते हैं इसे, ये सेम का भी मैंने यूज किया है। इसमें पत्ता गोभी का भी यूज किया है, और ये फूल गोभी का भी यूज किया है, जो मैंने इस तरह से काट लिया है। पत्ते गोभी को भी मैंने इस तरह से काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हम सबसे पहले आते हैं, अब देखिए दोस्त, सबसे पहले हम आएंगे कुकर पे। कुकर को हम लेते हैं, और इसमें हम सबसे पहले दाल बनाएंगे। और इसमें हम तकरीबन 2 गिलास पानी डालते हैं। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल चुका है, पहले से भी मैंने 1 गिलास डाल चुकी थी। और अब हम इसमें दाल को डालते हैं, जो मैंने इसे आधा घंटा तक भिगो के रखा था, और मैं इसे डाल दी हूँ। और इसके बाद हम इसमें हल्दी भी डालेंगे, इसमें हल्दी भी डाल देते हैं, और इसमें नमक भी डाल देते हैं स्वाद अनुसार। नमक भी मैंने डाल दिया है, और अब इसे बंद करेंगे, और बंद करके 2 सीटी लगा लेंगे। हमने इसमें दाल को 150 ग्राम यूज किया है, और अब हम आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब तक मेरा दाल पकता है, तब तक हम सांभर की तैयारी करते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे, और अब हम इसे गर्म होने तक वेट करेंगे। अब ये हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डाल देते हैं, जो कि मैंने सरसों का यूज किया है। आप चाहे जो भी आप यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। और थोड़ी देर तक तेल को गर्म होने दें। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेज पत्ता डालते हैं, जो मैंने 2 यूज किया है, इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, और 2 सूखा मिर्चा है, इसे भी मैंने टुकड़ा कर दिया है। अब हम इसमें जीरा भी डाल देते हैं। अब हम इसमें हरा मिर्चा डालते हैं, और अब हम इसमें हरा मिर्चा डालने के बाद ये जो मैंने काटा हुआ था लहसुन, वो भी डाल देते हैं। अब इसमें ये भी डाल दिया मैंने, प्याज डाल देते हैं हम। अब इसमें देखिए, मैंने प्याज डाल दिया है, अब इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा प्याज हल्का सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं, जो हमारा थोड़ा भूनता रहेगा,
और इसे भून लेने के बाद इसे आप भून लेते हैं पहले थोड़ी देर। देखिए हमने अब इसे इसमें डाल दिया है, अब इसे थोड़ी देर तक भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं सेम जो मैंने काट के रखा था, अब इसमें मैंने सेम को डाल दे रही हूँ और अब इसके बाद मैं बैगन को भी डाल दूंगी। इसमें मैंने बैगन को भी डाल दिया है जो सारा मैंने यूज किया है, बैगन सारा मैंने बैगन को भी डाल दिया। अब इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे अब मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालते हैं गाजर जो मैंने चॉप करके रखा था काट के, अब इसमें मैंने गाजर को भी डाल दिया। अब इसे भी थोड़ी देर तक हम भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स तब तक हम अपने सांभर मसाले की तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरे में हम सारा मसाला ले लेते हैं सांभर वाला जो मैंने घर पे ही बनाया है, और इसमें मैं गरम मसाला भी डाल देती हूँ। मैंने गरम मसाला डाल दिया है और इसमें हल्दी मैं डाल दे रही हूँ। ध्यान रहे कि मैं उतना ही हल्दी डालें ताकि मेरा दाल में भी हल्दी है, मसाले भरी हल्दी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, सारे मसाले ये सारे सब्जियां भून चुके हैं। अब हम ये सब मसाला जो है मैंने घोर के रखा था अब इसमें डाल देते हैं। अब हम इसे चलाएंगे और इसे कुछ देर तक हम इसे भूनेंगे। सारे मसाला डालने के बाद अब हम इसमें आमचूर खटाई जो है वो डाल देते हैं। आप इसके जगह पे नींबू को भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा अब टमाटर डाल देते हैं और अब मैंने जो मटर रखा था वो भी डाल देते हैं और थोड़ी देर तक बस 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा सब्जी भून चुका है। अब हम इसमें डालते हैं पत्ता गोभी जो मैंने ये काट के रखा था। अब मैंने इसमें अब पत्ता गोभी डाल दिया है, अब इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे बस 1 मिनट तक। ये हमारा 1 मिनट हो गया, मैंने पत्ता गोभी डाल दिया था। अब हम इसमें डालेंगे नमक जो स्वाद अनुसार, हम ध्यान रखेंगे कि दाल में भी नमक है, सब्जी के अनुसार मैं सिर्फ नमक डालूंगी। मैंने सब्जी के अनुसार नमक डाल दिया है और इसे मिला देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये दाल हो चुका है। अब हम इस दाल को इस सब्जी में डालेंगे। मैं अब इस दाल को सब्जी में डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें हम दाल को डाल देते हैं। हमारा सब्जी अच्छे से भून गया था, मैंने इसमें दाल को डाल दिया है अच्छे से। अब हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और 5 से 10 मिनट तक अब हम इसे पकाएंगे। 5 से 10 मिनट तक पक जाने के बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब हमारा ये सांभर हो चुका है या नहीं। और ये हमारा सांभर हो चुका है, मैंने इसे 10 मिनट तक पकने दिया था। देखिए हमारा ये सांभर हो चुका है, देखिए कितना अच्छा बना है। अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये सांभर बन के तैयार हो चुका है, हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। इसमें हम सोया धनिया डाल सकते हैं, डाल देते हैं ताकि देखने में भी और अच्छा लगे। हमने इसमें सोया धनिया का यूज कर दिया है। और प्लीज प्लीज फ्रेंड्स हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और बताएं कि आपको ये सांभर कैसा लगा। और मैं इसकी मसाले की रेसिपी अगले वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स हमारा ये देखने के लिए, थैंक यू सो मच।